मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में जो युवा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, जिन युवाओं को रोजगार की तलाश जारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं हम। जी हाँ, जहाँ एक दो नहीं 50,000 नियुक्तियों पे भर्ती होने जा रही है, और ये जो भर्ती है वो अलग अलग विभागों में होगी, और साथ ही साथ ये BPSC के थ्रू भर्ती होने वाली है। क्या है पूरी अपडेट रोजगार को लेकर, हम आपको बताते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सूबे में 46,124 नियुक्तियां की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग ने नए कई अलग अलग विभागों की रिक्तियों को जोड़ा है। इनमें राज्य के अस्पतालों में 649 सुपर स्पेशली डॉक्टरों की बहाली भी शामिल है। वहीं फॉरेंसिक साइंस लैब के सहायक निदेशक के 29 पद भी जोड़े गए हैं। इस साल कई अन्य विभागों से भी रिक्तियां आने की संभावना है। उम्मीद है कि मार्च तक कई पुरानी रिक्तियों को मिलाकर ये आंकड़ा 50,000 के पार कर जाएगा। आयोग अलग अलग नियुक्तियों के लिए कुल 93 परीक्षा आयोजित करेगी। इनमें से कई परीक्षाएं सिर्फ साक्षात्कार होगा। कई परीक्षा में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के अलावा साक्षात्कार भी होगा। सबसे अधिक रिक्तियां प्राइमरी स्कूल के प्रधान शिक्षकों की है, जहां 40,506 नियुक्तियां की जाएगी। प्रधान शिक्षकों की नियुक्तियां नियमावली में संशोधन को लेकर कोच में मामला विचाराधीन है। इस वजह से आयोग ने परीक्षा की नई नीतियां जारी की है। हालांकि पूर्व में आयोग ने दो बार परीक्षा तिथि जारी की है। वहीं राज्यकृत इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग अलग विभागों में लगभग 2,000 से अधिक नियुक्तियां की जाएगी। वहीं 68वीं BPSC के माध्यम से करीब 334 रिक्तियों को भरा जाएगा। अभियोजना अधिकारी के 553 और ऑडिटर के करीब 373 रिक्तियां हैं। टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर के 107 और सहायक ऑडिट ऑफिसर के 138 पर नियुक्तियां की जाएगी। आयोग के सचिव रवि कुमार ने बताया कि वर्तमान में 46,000 से अधिक रिक्तियां हैं। आने वाले समय में कुछ अन्य विभागों में रिक्तियां आने की संभावना है। ऐसे स्थिति में 50,000 के पास रिक्तियां हो जाएंगी। आयोग सभी परीक्षाओं को निर्धारित समय पर कराने की तैयारी में लगा हुआ है। वहीं हम आपको बता दें कि SSP और MTS और हवलदार के लिए 11,409 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं। इनमें से MTS के लिए 10,880 और हवलदार के लिए 529 रिक्तियां हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 17 फरवरी तक है। पिछले साल इन दोनों पदों से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या देश भर में 37,94,607 थी। इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश मिलाकर 5,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं बिहार सरकार की तरफ से युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार मिलने जा रहा है, जहाँ एक दो नहीं पूरे 50,000 से ज्यादा नियुक्तियां की जाएंगी। कुछ शिक्षक प्रणाली में होगा, कुछ हवलदार के लिए होगी, कुछ MTS के लिए होगी। हमने आपको बता दिया किन किन विभागों में ये नियुक्तियाँ की जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक ये अप्लाई नहीं किया है तो आप पूरी जाके डिटेल वेबसाइट पर देखिए और जल्द से जल्द अप्लाई करें। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।